इसको लोगों के सामने आते हैं, वो हमारे कार्यकर्ता का नाम, तो हम जरूर उन कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं तो कपिल शर्मा का शो यहाँ पे जो मुंबई में शूटिंग करते हैं उसका, वो उसको शूटिंग करने देंगे नहीं जब तक वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की माफ़ी नहीं मांगते। उन जब तक कपिल शर्मा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक वो ये उनके बयानों से उसको वो प्रूफ नहीं करते, तब तक उनको यहाँ पे हम शूटिंग करने देंगे नहीं, ये हमारी बात है। अरेस्ट होनी चाहिए क्योंकि उसने मैनग्रोव्स किया है, उन्होंने एक लीगल कंस्ट्रक्शन किया है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कपिल शर्मा के शो का क्या होना चाहिए वो आपको अमय कोप्कर ने ऑलरेडी बता दिया। मैं उसकी इसको मैं बात कहना चाहूँगा कि पिछले कई महीनों से हमने पुलिस प्रशासन को, गवर्नमेंट को हम इसका काफ़ी ज़्यादा फॉलोअप दे रहे हैं कि महाराष्ट्र की शूटिंग हो रही है वहाँ पे इलीगल तरीके से फॉरेनर्स यूज किए जाते हैं जो कि वर्क वीजा पे होने चाहिए। अगर वो मेरा शो कर रहे हैं कोई फॉरेनर्स, तो वो मेरे कंपनी के वर्क वीजा के ऊपर वो काम करने चाहिए। अभी कपिल शर्मा के जो शो है उसमें जो फॉरेनर्स इस्तेमाल होते हैं उनके पास वर्क वीजा नहीं होता, वो सारे लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर काम करते हैं। टूरिस्ट वीजा के ऊपर आप काम ढूंढ भी नहीं सकते, यहाँ पे कपिल शर्मा के शो पे काम हो रहा है। कोई मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अभी गवर्नमेंट से, पुलिस प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, क्या अभी आप कपिल शर्मा के ऊपर कार्रवाई करोगे या नहीं करोगे?